गाइस गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। तो गाइस स्वागत है हमारे नए ब्लॉग में। तो सुबह की शुरुआत होगी गाइस आप सबके प्यार के साथ। मैं जस्ट अभी ऑफिस के निकलने वाली हूँ और मैंने पहनी ये साड़ी गाइस मैं आपको दिखा देती हूँ। प्रॉपर तरीके से मैं आपको दोबारा खड़े होकर दिखाऊंगी, बट अभी मैं ऐसे करके ले रही हूँ तो नहीं प्रॉपर दिखा पा रही हूँ। तो मैं थोड़ा सा हल्का हल्का सा तैयार गाइस मैंने इयररिंग्स पहने हैं और साथ में बैंगल्स पहनी है, साथ में साड़ी पहनी है और बाल अपने खुले छोड़े। तो अभी तो मैं ऐसे जा रही हूँ, बस मैं लेट हो रही हूँ गाइस। तो मैं मिलती हूँ आपसे दोबारा। मम्मा वो कह रही थी छोटी बड़ी की, हाँ है ना, लेकिन ये सुंदर है मेरी जैसे दोनों ये कर दी थी अपनी मर्जी। अच्छे लग रहे हैं, बहुत ज्यादा अच्छे लग रहे। चलो भाई। तो गाइस माता श्री चले गई है नानी को उनके घर छोड़ने। रिश्ते अंदर मम्मी वो नानी को घर छोड़ देगी उनके और खुद जाएगी ऑफिस, जो कि मैं अब घर पर हूँ। गाइस कल आपको बताया होगा कि हमने जाना था, मतलब मैंने भी जाना था मम्मी के साथ। मम्मी के ऑफिस में ना पार्टी थी, मतलब दिवाली पार्टी। तो दिवाली पार्टी पे पहले मम्मी ने पूछा अपने सर से कि मैं ला सकती अपने बेटे को। उन्होंने कहा हाँ लेके आ सकते हो, कल का था ये। ठीक है, मैं तो रेडी हो गया था, मैंने निकाल लिया था अपने जो भी कपड़े थे। तो सुबह उठे, मम्मी ने वापस से एक बार कॉल किया, बैक कॉल करके एक बार पूछ लिया ऐसे कि मैं थोड़ी सी लेट आऊँगी। थोड़ा सा लेट उठी थी मम्मी, और मतलब वैसे नानी को भी छोड़ना था इसलिए लेट। और ये पूछा मम्मी ने, और ये भी पूछा मम्मी ने कि लेके आ सकती हूँ ना मैं अपने बेटे को। तो उससे मना कर दिया सर ने, देर रात को बोला था कि लेके आ सकती हूँ, सुबह कह रहे नहीं है लेके आ सकती कि पहले तो अभी काम करेगी मम्मी, फिर उसके बाद शाम को होगी ना पार्टी, तो इतनी देर में क्या बैठूंगा वगैरह वगैरह कुछ ऐसी बात हुई थी, इसलिए मना कर दिया। तो अब मैं घर पे बैठा हूँ, तो मेरा पार्टी का कैंसिल हो गया। मैं सोच रहा था वहाँ पे बढ़िया कुछ खाऊंगा मैं, लेकिन मम्मी कहते सैंडविच ही आना था, मतलब बाकी हम खुद से मंगवाते। तो कोई ना, मम्मी देख लेगी आते टाइम, खुद से ले आएगी कुछ खाने के लिए लेकर आना होगा तो, वरना तो अच्छी पार्टी हो ही जाती है, मतलब एक हिसाब से केक वेक ये सब कुछ जो भी होता है। बज रहे हैं सुबह के 10:30 और चीकी बिकी विश्राम मोड में है। उठ जाओ यार, कमाल है गाइस। यहाँ पे लगा हुआ आईफिल टावर कपड़ों का, लदम भी रखी गई है। थोड़े से नानी ने फोल्ड कर दिए थे, देखो ये वाले ऊपर वाले नहीं किए थे ये, मतलब वापस आए थे, मतलब ये कपड़े ना भूल गए थे ललिता मम्मा दे ना, तो ये कपड़े फोल्ड नहीं किए, मेरे को आते नहीं इतने ढंग से, बाकी फोल्ड कर रखे। देखो नानी जो भी काम करती है ना एकदम बढ़िया करती है। अभी हम दिखाते हैं आपको गुरी मैम का डेकोरेशन। वाह, ये ओम शांति ओम नहीं बोलता, वाह क्या एक्टिंग है, वाह क्या एक्टिंग है। हेलो, और मिस कुंदन मैम क्या रंगोली बनाई है आपने, वाओ मजाक उड़ा रहे हो, अच्छी नहीं बनी क्या? अरे बहुत अच्छी बनी है, बहुत अच्छी बनी है ना, वाओ वाओ इसने किया है सेक्टर को लग रहा है, ये वाला कर दिया ना। मत करो यार, खराब कर जा रहे हो। नरसिम्हा कुछ यूनिक करना चाह रहा था। हमारी गुरविंदा मैम और कंचना मैम बहुत अच्छी रंगोली बना रही है। मैं बनाऊंगी जिस हिसाब से रंगोली बन रहा है, हमें लग रहा है हम नीचे से फर्स्ट आएंगे। तो गाइस मम्मी आ चुकी है फाइनली। मेरे को बहुत भूख लग रही थी और स्कूटी पे गई हूँ ना मैं, हाँ स्कूटी पे नहीं गई थी आज। फिर
रिक्शे वाले ने इतने पीछे उतार दिया, भीड़ था, इतना ट्रैफिक था, ट्रैफिक की वजह से इतना पीछे उतार दिया उसने। कि चल के आयो पूरा? हाँ, बहुत देर से चल के आ रहा। अच्छा, मैं एसी चला रहा था, मेरे को गर्मी लग रही थी। खा लो हवा, खा लो। मिले बर्गर लाए हो? हाँ, तो ऑफिस में मिला था ना बर्गर। शुक्र है, कोल्ड ड्रिंक, बर्गर और सैंडविच वगैरह सब चीजें मिली थी। शुक्र है, बहुत भूख लग रही थी मेरे को। थक गए तो आराम कर लो। मजा आया? हाँ, बढ़िया। नाचे वाचे? तो मैंने ऑफिस जाके सर को बोला, मैंने बोला सर मैंने रौनक रेडी कर दिया था, वो तो मैंने आपको फोन कर दिया पूछने के लिए, मैंने नहीं करता मैं रौनक ले आती साथ में। गुरविंदर छोटा बच्चा होता है ना, चल जाता है, बड़ा बच्चा अंदर फिर काम करना पूरा दिन पहले, फिर शाम को जाके थोड़ा सा करना पार्टी वार्टी, तो फिर पूरा दिन क्या करता वो, और फोन अलाउड कैंसिल हो गया, इसलिए मना कर दिया। कोई बात नहीं, कहते कोई बने, अगली बार कोई पार्टी होगी ना तो मतलब की जब पूरी मतलब सुबह से लेके पार्टी होती जैसे तब लेके आना, क्योंकि फिर इसमें दिक्कत नहीं होगी, अभी काम का भी तो प्रॉब्लम था ना बीच में। अच्छा अच्छा, तो गाइस जैसे अभी अभी थोड़ी देर पहले मैं ऑफिस से आई हूँ अभी, और बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है, इतनी ज़्यादा मैंने सोचा कि पहले आपको थोड़ी सी डिटेल बता दूँ ऑफिस में क्या क्या हुआ। बस कुछ नहीं, आज थोड़ा सा काम कुम करा पहले सुबह के टाइम पे, फिर नाच, फिर वही नाच गाना जो भी होता है पार्टी वार्टी में, तो आपको पता है कि डांस वगैरह तो होता ही होता है, बट मैंने कुछ नहीं करा ऐसा, बाकी पूरी मतलब टीम ने और बाकी सब ने करा, और वो आप व्लॉग में ज़रूर देखोगे। तो मतलब बहुत मज़ा आया गाइस, सीरियसली बहुत मज़ा आया कि सबके साथ मिलके हम लोग करते हैं तो बहुत मज़ा आता है। ये तो दरवाज़ा पूछी पार पर दरवाज़ा क्यों खुलती है, है? तो सबके साथ मिलकर बहुत मज़ा आया, एक इन्जॉयमेंट हो जाती है, खुशी मिलती है। तो बस उसके बाद हमें बर्गर वगैरह मिली, पैटीज मिली और सैंडविच वगैरह मिला और कोल्ड ड्रिंक वगैरह मिली, तो थोड़ी सी पार्टी करी और बस करके घर पे आगे सीधा गए। स्कूटी में सुबह लेके नहीं गई थी क्योंकि साड़ी पहन के स्कूटी नहीं चला सकती थी, इस वजह से मैं स्कूटी लेके नहीं गई थी, और अभी आई हूँ रिक्शे पर। रिक्शे वाले ने मुझे इतना पीछे उतार दिया था ना, और इतना पीछे उतारने से क्या हुआ कि मुझे इतनी दूर तक चल के आना पड़ा, मेरी बड़ी अभी हालत खस्ता। तो बस अभी मैं अपना हम कपड़े चेंज करूँगी, थोड़ा काम स्टार्ट करूँगी। खाना कितनी देर में बन रहा है? बस बनाने लगी रोटी, तू मैं तेरे को पहले भोग देती हूँ, लड्डू को बच्चे को पहले भोग लगा दे। अच्छा ठीक है, या एप्पल कट कर दे या संतरा का भोग लगा दे। ठीक है, संतरे भी पड़ा है? हाँ, नानी लेके गई थी कल। अच्छा, मेरे को पता ही नहीं। हाँ, संतरे पड़े, संतरे का लगा दे। ठीक, या फिर अभी संतरा खा लेगा तो फिर लगा दे। नहीं, सेब भी खा पाऊंगा, सेब लगा दे। संतरा सिट्रिक चीजें रात को नहीं खानी चाहिए, फिर दोपहर को खा लियो। ठीक है, अभी सेब कट कर ले और भोग लगा दे भगवान जी को, और साथ में मैं रोटी बना रही हूँ। भूख नहीं लग रही मेरे को। क्यों? आपने बर्गर जो लेके आए थे, मेरा पेट भर गया। हाँ, तो गाइस ऑफिस में पार्टी में आपको बताया कि बर्गर वगैरह मिला था और कोल्ड ड्रिंक वगैरह मिला था, तो मेरे को मिला था, तो फिर रौनक के लिए भी लेके आई मैं मैकडी, मैकडी का बर्गर था, दो बर्गर रौनक के लिए लेके आई, और एक मैं सुबह से ख्वाब देख रहा था बहुत खराब देख रहा था गाइस, क्योंकि मैं इसको लेके दी थी, क्योंकि मेरे को अंदर इतने फील हो जाता है, हाय मैंने बर्गर खा लिया, तो अंदर से लग रहा है हाय मेरा बच्चा घर में बैठा होगा, आज मैं ऐसी बर्गर खा रही हूँ, मैं लेके जाने वाली थी, बट मेरे को ऑफिस से मिल गए थे दो बर्गर एक्स्ट्रा मिल गए जो मैंने रौनक को खिला दिया, और साथ में मेरे को मिली थी कोल्ड ड्रिंक की बॉटल है ना, मरिंडा थी ना, तो मैं मतलब कोल्ड ड्रिंक वगैरह या पेप्सी ये सब चीज़ें मैं नहीं पीती, मेरे को नहीं अच्छी लगती, और फिर आइसक्रीम मेरे को नहीं अच्छी लगती, मुझे कोल्ड ड्रिंक अच्छी लगती, ऐसी चीज़ें मुझे नहीं अच्छी लगती। मुझे क्या अच्छा लगता है? चाय, चाय, चाय और कॉफ़ी, तो मेरे को नहीं अच्छी लगती, तो इस करके फिर रौनक के लिए बर्गर लेके इसका पेट भरा, बट रोटी तो रोटी होती है बाबू, वो तो खाने ही खाने। आलू बड़ी के साथ दे देना आप, वो अच्छी लगी थी। अच्छा, वही है। तो यहाँ पे कोको आई है चीकी बिकी के साथ, खेली खेली करने। कोको बोलिया, बोल बहू। सिम्बा है तू, लायन किंग वाली। देखिए जरा कैसे करती करती, देखिए जरा। कोको वहाँ से मिलो मिलो, हेलो कर लो, हाय कर लो, हेलो हाय। ओ ओ ओ, ये गलत कर रही कोको, ये गलत हो रहा। क्या कर रही है, क्या कर रही है बताओ तेरे को, भाई छोटे छोटे बच्चों के साथ छेड़खानी कर रही है। मतलब नहीं तो ये करेगी चाइनीज है, नहीं दूर रख, चाहिए दूर रख, देखो वो भी जानवर है, उसकी चोंच चोंच पकड़ ली ना इसने मुंह से, पागल है, चली पीछे कर। ओ मत कर, मैं मारूंगी। कोका तुम क्या कर रही है, पूंछ पकड़ रही थी उसकी। चली पागल है क्या, ऐसे ऐसे बस कार में चांडा मारूंगी तेरे खींच के। इधर आ, इधर आ, इधर आ, इधर आ, देख रही है, देख उसको, इधर इधर रहो। क्या कर रही थी? प्यार कर रही थी, प्यार कर रही थी लगता तो। देख कैसे रही है। चल कोई ना, अगली बार मत करियो, मैं बता रहा हूं, चल चल। हां ना 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 ना, अब हो गया, हो गया, चलो 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 मिल ले चिकू बुकू।
ओह माय गॉड, अरे खड़ा होना सीख जाएगी, चल खड़ो खड़ी खड़ी मैं नहीं चलाऊंगा, नहीं कर ले तो जो करना है। दी कैसे देख रही उनको, ऊपर कर ऊपर रख दे इसके, खड़ा होना पड़ेगा वरना रहने दे। चल रोको, कोई ना चिकी बिकी ले ले, चिकी बिकी वो एक्चुअल में ले लेगी। हां मैं ले लेगी। तो गाइस पहले ना मैं ये वाले इयररिंग्स पहन के जाने वाली थी, मैं आपको दिखाती हूँ ये दोनों इयररिंग्स ऐसे वाले अपनी साड़ी के साथ। अच्छे लग रहे ना साड़ी, सुंदर तो है, लग रहे ना ऐसे लग रहे, ये लगता अच्छे लग रहे थे वाले। ये वाले ना वो कर दे, ये वाले पहन के जाइयो। अच्छा मेरे, पर लेकिन आप पहन के नहीं गए। मैं ये पहन के नहीं गई, मेरे को अच्छे लग रहे थे ये वाले। पहन का दिखाओ, देख तो सही ये बड़े प्यारे हैं ये इयररिंग्स। दिखाओ एक बार, सही है सही है, ऐसे लग रहा है स्नोफ्लेक्स होते ना वैसे। प्यारा लग रहा है, ये तो अच्छा लग रहा है ना। ये लगा के गए थे आप, मैंने आपने मुझसे पूछा था ना, मैंने यही कहा। मैंने रौनक को आपको पूछा था गाइस कि मैं कौन से पहनूं दोनों में से, इसने बोला कि मम्मी ये वाले पहनो, मैंने बोला फिर ये वाले क्यों नहीं, कहता है ये वाले थोड़ा सा ना भारी से लग रहा है, थोड़ी शादी टाइप शादी वादी पहनने वाला तो वो मत पहनो, तो ये वाला पहनो ही ज्यादा अच्छा लग रहा, थोड़ा डिफरेंट भी लग रहा था, ये पहनो अच्छा भी लग रहा था, मुझे भी अच्छा लग रहा था। ललता मैं लेकिन ये अच्छा लग रहा था। और साथ में ये पहने गई थी कड़े पे, कड़े कहते हैं कंगन, कंगन। अच्छा मैं ऐसे वाले ना कंगन लेना चाहता, डायमंड के चले, डायमंड के वाओ, ऐसे वाले डायमंड, ये डायमंड के तो पागल है, तो आर्टिफिशियल है। अच्छा मैं ऐसे डायमंड के लेना चाहती हूँ, कोई ना ले लेंगे अगले साल दिवाली पे धनतेरस पे डायमंड के कड़े ऐसे। हाँ तो देखो अब सोच रखोगे कि लेने की तब ले पाओगे ना। सोच भी नहीं रख सकती मैं, इतनी बड़ी चीज की तो सोच रखी नहीं रखती हूँ। कितने के आएंगे इतने में, पागल है, इतना सा स्टोन होता है वो, डायमंड होता है वो, इतना महंगा होता है। अरे कितने के होंगे फिर भी अंदाजन, अंदाजा भी नहीं पता मुझे तो। कोई ना देख ले, कम से कम मेरे हिसाब से कम से कम 50 लाख रुपए के तो होंगे वो, ये भी मैंने कम बोला है शायद मेरे ख्याल, इतने की फ्लैट ले सकते तो ये भी प्रॉपर्टी होती है भाई, पता है एसेट होता है, फ्लैट लो एसेट कहते हैं उसे, जो भी कहते हैं, तो मतलब अगर प्रॉपर्टी लो या फिर ज्वेलरी लो जिनकी भी वैल्यू बढ़ती है। अच्छा लग रहा है ना, सुंदर तो है, बढ़िया। ऐसे लेके दियो मुझे तो डायमंड के कड़े, ठीक है सोने के ले दियो। अरे किस, सबके ले दूंगा, सबके ले दूंगा ठीक है। तो गाइस अब आज मैंने बहुत इंजॉय करा ऑफिस में, बड़ा मजा आया, पार्टी करी हमने, और कल है दीपावली, तो दीपावली कई लोग कल मना रहे, कई लोग एक तारीख को मनाएंगे, तो अपने उसके हिसाब से जिनको जैसे सही लगे वैसे करके मनाएंगे। तो आप सबको दीपावली की बहुत 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 ढेर सारी शुभकामनाएं गाइस, जो कि बना रहे जो 31 को मना रहे हैं और जो एक को बना रहे हैं उनको हम कल कर देंगे, इसको भी दोबारा विश कर देंगे, जो एक तारीख को मना रहे होंगे वो एक तारीख के लिए उनके लिए विशेष होगी, और दिवाली की शुभकामनाएं गाइस। और इस तरह से ये वाला त्यौहार आपके घर में खुशियों भरा आए हमेशा, और आपके घर में सुख समृद्धि और धन धान का हमेशा वास रहे, और लक्ष्मी माता की इतनी कृपा हो आप सबके ऊपर कि आप वो धन को संभालते संभालते ये सोचो कि हम कहाँ संभालें उसको। तो इसी तरह से अपना और अपनों का ख्याल रखना है गाइस, और जोर जोर से पटाखे बजाना एकदम खुल के, खुले दिल से दिवाली मनाना गाइस, अपनों के साथ और अपने खुद के भी साथ। तो इसी तरह से, और गाइस मैं आज का ब्लॉग का अंत हम यही भी करते हैं, मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ एक नई सुबह के साथ, तब तक के लिए आप सब लोग अपना ख्याल रखिए गाइस, और हमारी इंस्टाग्राम आईडी निक्सन रौनक जिसके ऊपर आई है रील्स दो वो आप प्लीज अगर देखना तो आज के बाद थोड़े थोड़े रील डालेंगे गाइस, थोड़ा सा मूड अच्छा होता रहेगा और अच्छे अच्छे काम करते रहेंगे, हम आपको साथ शेयर भी करते रहेंगे। और हमारी इंस्टाग्राम आईडी निक्सन रौनक के नाम से प्लीज जाके हमें फॉलो कीजिए, और जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो चिकी भी कहता है कि प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच, गुड नाइट, टेक केयर, बाय।